वैसा बताओ कैसी लगी आपको गाड़ी? कह रहा हूँ टोटल जेन्युइन है गाड़ी। गाड़ी में जान इतनी सेक्शन वाली है कि उसकी सारी की सारी जाली पाड़ के रहेगी यहाँ पे। गाड़ी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। अब जी गाड़ी मेरी इस साइड पे खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से टीम 4K की तरफ से आप लोगों के में हाजिर हैं। और आज आखिरकार भाई साहब वो दिन आ चुका है जिसका जी आप तमाम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। कौन सा दिन? तो भाई साहब वो दिन जिस दिन आपके बाइक की जी नई प्रोजेक्ट वाली गाड़ी आएगी। गाड़ी भाई साहब अभी घर के बाहर खड़ी हुई है। अब जैसा आप लोगों को पता, भाई साहब खज्जल खुआरी करने की मेरी आदत नहीं और जी एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार वीडियो बनाने की मेरी आदत नहीं, वरना भाई साहब मैं भी कर सकता था कि भाई साहब गाड़ी ढूंढने के ऊपर जी 10 वीडियो बनाया था कि आज हम गाड़ी देखने जा रहे हैं, आज हम वापस आ गए हैं, आज हम गाड़ी देखने जा रहे हैं, आज हम वापस आ गए हैं, आज हम गाड़ी देखने जा रहे हैं और आज हम वापस आ गए हैं, क्योंकि गाड़ी में भी मसला था कुछ। आपका भाई जी अगले बंदे को पैसा देता है और कहता है भाई साहब जो भी तेरा सर दर्द है ना वो मुझे दे दे आके। और जी आपके भाई ने इस बार भी यही काम किया। मैंने भाई साहब जनाजा उठाया और ये जनाजा हमारे पास जी रावलपिंडी से चल के लाहौर तक आया। और जी बड़ी कोई हैरानकुन बात है कि गाड़ी वहां से चल के यहाँ तक आ गई, क्योंकि जैसी गाड़ी की हालत है मैं कहता ये 1 किलोमीटर भी चल जाते ना तो उसको सतारा इम्तियाज देना चाहिए था। अब जी गाड़ी के मामले में मेरी सिलेक्शन उतनी ही थी जितनी एक सारी उम्र सिंगल बंदे की होती है कि उससे बंदा पूछे ना अभी किसी किस्म की लड़की चाहिए तुम्हें, तो वो कहता भाई साहब बस सांस लेती हो। मेरा भाई साहब यही हाल था, मैंने बस नाम बता दिया था मुझे ये गाड़ी चाहिए, अब किस हालत में चाहिए वो मैंने नहीं बताया था। और जब गाड़ी मेरे सामने आई है ना उसकी हालत देख के मुझे चीज का एहसास हुआ कि हाजी साहब आपने जिंदगी में बहुत सारा गलतियां की हुई है लेकिन ये वाली जो गलती की है ना ये चीज नंबर 1 पे आई है। इसके अलावा मुझे दूसरी चीज का एहसास ये होया कि एक जोकर जी मेरी सड़क पर बना हुआ है और जो दूसरा मैं हूं जो कि मैंने इस किस्म की भाई साहब गाड़ी ली है। लेकिन भाई साहब डोंट टेक टेंशन स्मोक बैंसन, क्योंकि भाई साहब खामोश समंदर में तो सब कश्ती चला लेते हैं, असली मजा तो भाई साहब तूफान में से कश्ती बाहर निकालने का। और जी हम इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे और ऐसा बनाएंगे भाई साहब सानों के जी डेले बाहर आ जाएंगे ऐसे करके। अब जी आपको मैं जाके जरा गाड़ी का गेड़ा करवाता हूँ, गाड़ी आपको मैं बता दूँ कि भाई साहब इसको हम नाम देंगे जी प्रोजेक्ट जनाजे का, क्योंकि जी इसकी हालत जो है ना वो किसी जनाजे से काम नहीं है। पूरी गाड़ी में सिर्फ 2 काम की चीजें हैं, बाकी सारी गाड़ी जी खत्म है। और जैसा आप चेक कर सकते भाई साहब हबशी ब्लैक हमारे पीछे अपने 2 जिलों वाले कफन के अंदर दफन है। और जी हमारा जो कफन है वो भाई साहब 3 जगह से पार चुका है, 1 देव ते 3। और जी ये पाटे कफन की भी हालत हमारी बाहर खड़ी हुई गाड़ी से अच्छी है। अब जी आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि भाई साहब आपने तो नया प्रोजेक्ट खरीद लिया तो आपने अपशी ब्लैक के साथ क्या करना है। तो जी एक बात मैं आप सब लोगों को पहले बता दूं कि अपशी ब्लैक भाई साहब कहीं नहीं जा रही, इसको सेल करने का मेरा कोई मूड नहीं है। जब तक आपका भाई जिंदा है हमारे साथ ही गाड़ी मौजूद रहेगी और मेरा बात चले तो भाई साहब मैं कब्र में भी साथ ले जाऊं, लेकिन भाई साहब नहीं कर सकते, मजबूरी है। अब अपशी ब्लैक के जी हमने सबसे पहले 2-3 काम करवाने हैं। सबसे पहले हमने काम क्या करवाना है तो अपशी ब्लैक के जी हमने फ्यूलिंग सेट करवानी, क्योंकि जिस वीडियो के अंदर हमने रेस लगाई थी स्कैम कार के साथ और स्विफ्ट आरएस टर्बो के साथ, उसके अंदर भाई साहब जो हमारी अपशी ब्लैक थी वो जी स्कून मोड में थी, वैशी मोड में नहीं थी। हबशी ब्लैक की जो फ्यूलिंग थी ना उस दिन सेट नहीं हुई थी, इंजेक्टर भी साथ लगे हुए थे इसको, और जो बाकी जो रेस वाला सामान समूह था वो सारा का सारा मैंने उतार के रखा हुआ था। तो सबसे पहले जाके हमने सारा कुछ इसके जो सामान था वो दोबारा इसके ऊपर लगाना है, इसकी फ्यूलिंग शूलिंग सेट करवाएंगे जी, एफ आर वगैरह इसके हम सेटमेंट कर देंगे। उसके बाद फिर जो हबशी ब्लैक का गियर है उसको जी हमने LHD करवाना है, क्योंकि आपने रेसिस में देखा होगा कि हर रेस के अंदर भाई साहब पहले 2 गियर में पीछे रहता था और जी बाद में जाके मुझे अगले बंदे को पकड़ना पड़ता था। तो जी उस चीज को खत्म कराने के लिए हम जो अपना गियर है उसको जी LHD करवाएंगे ताकि जी हम लॉन्च के ऊपर अगले बंदे को जी फुल टाइम चेपे करा सकें। और जी सबसे आखिरी काम हमने अपशी ब्लैक का क्या करवाना है तो इसका जो भी भाई साहब शो ऑटो शो वाला सामान है वो जी हमने इसके ऊपर दोबारा लगा देना है, इसको व्हाइट बॉडी फेंडर्स लगाने हैं, इसके जो बैक टायर है उसको जी हमने कैम्बर करना है क्योंकि अपशी ब्लैक के अंदर पहले की ही कैम्बर किट्स लगी हुई हैं, इसको XXR लगा के जी हमने इसको गाड़ी के अंदर सजा के खड़ा कर दिया। और जी फिर गाड़ी सिर्फ शोज के लिए बाहर निकलेगी, अभी बावजूद ही काम बाहर निकलती है लेकिन जी तब सिर्फ शोज के लिए बाहर। और ये जी आपको मैंने अपशी ब्लैक का फ्यूचर बता दिया है, तो जी जो बाहर जनाजा खड़ा हुआ ना उसके फ्यूचर की तरफ चलते हैं। और जैसा आप चेक कर सकते भाई साहब हम गुलशन के पास यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। अब जी गाड़ी मेरी इस साइड पे खड़ी हुई है और इस साइड पे मेरे खड़े हुए जी हमारे फ्रेंड जुनैद गिलानी। और जी सबसे पहला इनके ख्यालात का इजहार करवाना चाहेंगे, भाई साहब बताओ गाड़ी आपको कैसी लगी है? मैं कह रहा हूँ टोटल जेन्युइन है गाड़ी, हॉर्न नहीं बजता बाकी हर चीज बजती है। गाड़ी कौन सी है? तो भाई साहब ये हमारा नया प्रोजेक्ट फ्रेश अंडा शराट फरूल। अब गाड़ी का भाई साहब को मैं फ्रेश गेड़ा करवाता हूँ। तो जी अभी अल्लाह की कसम है भाई साहब बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जेदी मामा को इसलिए मसाला लेके आया था ताकि धक्का धुक्का लगाना पड़ जाए ना, तो जुनेद साहब लगा दें इसको। अभी सबसे पहले हम बाहर आ जाए तो आप चक्कर से पीछे इसके लगे हुए 2 कुंडे। अब जैसा आपको पता भाई साहब वड्डी ईद आ रही है, गाड़ी ने तो चलना चुलना है कोई नहीं, तो जी ये मैं कुंडे हैं ये मैं रेंट पे दे सकता हूँ, यहाँ पे लोग अपनी मजे बांध सकते हैं, सामने ले ले लूले बांध सकते हैं और जी गाड़ी खड़े खड़े मुझे मीर बना देगी। उसके बाद पिछले बंपर के ऊपर आए तो भाई साहब पिछला बंपर यहाँ पे जी हंस के आंखों देख रहा है, आपकी जिंदगी पे हंस रहा है, आपके दर्द पे हंसेगा जब गाड़ी बार बार बंद होगी। बम्पर भी की भी हालत जो है वो जी फुल टाइम 7 अप किस्म की है, डिग्गी जो है भाई साहब वो बांधी नहीं होती, ओपन ओपन डिग्गी निज़ाम है ये आप चेक कर सकते हैं। और ये जी आपको एक पार्टी स्टम ही नज़र आ रही है जी टायर समेत, ये भाई साहब जो आए रहे ना हमारे रेस कार ड्राइवर उन्होंने मोटरवे पे उड़ाई है, ये तो मैं आपको कह रहा था कि भाई साहब मुझे खुद समझ नहीं आई कि गाड़ी चल के कैसे यहाँ तक पहुँचाई है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं गाड़ी ना बहुत तेज़ है, ये 400 या 500 का मीटर तो ऐसे मारती जैसे स्वाब का काम है, तो आपको पता है इतनी स्पीड के ऊपर गाड़ी को ना थोड़ी ग्रिप शिप चाहिए होती है, तो जब गाड़ी राइट साइड पे मुड़ती है तो ये जो मार्स पॉलर है ये नीचे होता है ऐसे करके, ताकि जो डाउन फोर्स है वो साइड पे ज़्यादा हो और जब हम
दूसरी साइड पे मोड़ काटते हैं तो ये स्पॉइलर ऐसे हो जाता है ताकि उस साइड पे डाउन फोर्स ज़्यादा हो और आपको जी मैक्सिमम ग्रिप मिले। उसके बाद गाड़ी के नीचे आप चेक करें तो जी पता नहीं कौन सा कोई 70 का सेंसर लगाया हुआ नीचे और जी बड़ी पार्टी किस्म की आवाज़ है इसकी। अब उसके बाद अगर हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आए तो ये जी टू डोर शराड है, ठीक है जी। यही चीज़ इस गाड़ी के बारे में अच्छी है, बाकी सारा कुछ फारिग है। बैक रिम के ऊपर आए तो जी ये जो गाड़ी थी ये टोक्यो ड्रिफ्ट में इस्तेमाल होती रही है, तो आपको पता है वहाँ पे ड्रिफ्टें वाबा भी बेचती थी। तो जी एक ड्रिफ्ट के अंदर ये जो रिम था ये जाके जी बनी में लगा है और ये जी हल्का सा विंगा हो गया है। उसके बाद टायर के ऊपर आए तो जी ये आपको देखने में टायर फारिग लग रहा होगा लेकिन जी ये टायर जो है ना ये प्रेगनेंट है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये जी यहाँ से इसका गैप खुल रहा है और जी अभी 6 महीने प्रेग्नेंट है, 3 महीने बाद इसमें से एक नया टायर आ जाएगा बाहर, हमें बस सबर करना है और हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप साइड स्कर्ट पे आ जाएं तो जी साइड स्कर्ट के हमारे यहाँ पे खतरे हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं पीछे से सारा कुछ मौजूद है लेकिन जी इसका अगले वाला हिस्सा वो गैब है तो वो भी हमें सारा कुछ करवाना पड़ेगा बाद में। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जी ऐसे करके आपका कोई चाबी चुबी अंदर रह जाए या आपने कोई चीज़ खोलनी तो आप यहाँ पे जी कुंडा घुसा के उसको खोल सकते हैं क्योंकि जो लॉक है ये काम नहीं करता। आप एक बार गाड़ी के अंदर बैठ गए फिर भाई साहब ये होता है लॉक खुलता ही नहीं है, फिर उस साइड से आके जी लॉक खोलना पड़ता है। अब जी गाड़ी के साइड पे आप चेक कर सकते हैं भाई साहब इस साइड का सहारा ही कोई नहीं है क्योंकि हमने अपने दुश्मन को बताना नहीं अपनी अगली चाल का। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं भाई साहब ये जो हमारी वायरिंग है ये जी टायरों के साथ चुमियाँ आ रही है, एक हमारी तार ये आ रही है दूसरी तारें हमारी भाई साहब यहाँ पर रेड़ गई हैं। आपको मैंने बताया था ना पूरी गाड़ी के अंदर दो चीज़ें अच्छी हैं, एक ये टायर है और जी दूसरी चीज़ मैं आपको इंजन बैग खोलूंगा जब तो आपको मैं दिखाऊंगा। रिम्स कौन से लगे हैं तो इसको जी वोजन लगे हुए हैं 15 इंच के अंदर जिनमें से भाई साहब एक रिम विंगा है और बाकी ठीक है टायर सारी खसी हैं। उसके बाद हम फ्रंट बम्पर के ऊपर आ जाए तो जी इसका जो थोपड़ा है वो जी सारा का सारा फिर से तैयार होने वाला है। फ्रंट से गाड़ी की भाई साहब माँ बहन है कोई भी है फ्रंट इसका बिल्कुल तबाह है, लोगों की गाड़ी की शो होती है इसकी भाई साहब शो है ही नहीं का भाई साहब मुँह ऐसा होया हुआ है जैसे इसको गाड़ी को फ्रंट से फारिज होया हुआ। और जैसा आपको पता है भाई साहब ये जो होती है ना स्पोर्ट्स कार इस तरह की इनमें भाई साहब चेक इंजन लाइट आती रहती बार बार, चेक इंजन लाइट होती क्या है कि वो आपको गाड़ी बता रही होती है कि बोनट खोल के देखो कि भाई साहब गाड़ी के अंदर इंजन है भी कि नहीं। तो जी उसके लिए इन्होंने बिग सिस्टम लगाया हुआ है, इसका जो बोनट है वो भाई साहब बंद नहीं होता ताकि जब भी आपकी चेक इंजन लाइट आए आप जी दस्ती अपना इंजन खोल के चेक कर सकते हैं इस तरह। उसके बाद इस साइड में आए तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से भी इसकी एक आंख विंगी हुई हुई है, इस साइड से अन्य गाड़ी शो शाह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ से बम्पर जो है वो हमारा हवा में लेटियाँ ले रहा है। उसके अलावा जिस तरह आपको मैंने बताया जो गाड़ी है ये 400-500 का मीटर ऐसे मारती जैसे सो आपका काम है, तो उस वजह से हमने इस साइड पे सेमी स्लिक्स लगाए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये जी गुडियर के सेमी स्लिक्स हैं और ये जी 1.5 लाख का एक टायर है, समझ तो आप गए होंगे भाई सब कितने कोई हाई स्टैंडर्ड की हम गाड़ी लेके आए क्योंकि आपको पता है जब भी कांड किया बड़ा कांड किया छोटा कांड कभी हमने किया ही नहीं है। उसके बाद हम इधर आए तो ये वाली साइड स्कर्ट आप चेक कर सकते हैं, ये भी 2 हिस्सों में कन्वर्ट हुई हुई है, एक पाकिस्तान है दूसरा भाई साहब इंडिया बना हुआ फिलहाल यहाँ पे। और आपको पता है गाड़ी ये लैम्बोर्गिनी स्टाइल से ना करके जी इसके पिछले मिरर्स खुलते हैं ताकि जी एरोडायनामिक्स गाड़ी की फुल टाइम मजबूत किस्म की हो, क्योंकि जब आपको मैंने बताया ना गाड़ी 400-500 का मीटर ऐसे मारती है स्वाभाव का काम है तो जी एरोडायनामिक्स बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो गाड़ी है वो जी पेट्रोल ऐसे पीती है जैसे स्वाभाव का काम है, तो उसके लिए इन्होंने भाई साहब यहाँ पे कोई लॉक रखवाया नहीं है, ये जी ओपन है ताकि जैसी गाड़ी अपने रेस ट्रैक पे अपने लैब पूरे करके आया तो जी दस्ती इसको खोले और जी इसके अंदर फ्रेश पेट्रोल डाल जाए। ओ ये जी बंद हो गया, नहीं खुल गया खुल गया। अब जी आपको जरा गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ, तो जितनी बाहर से हालत ख़राब है ना इंटीरियर उसको भी 9 मैच मारता है। तो जी इंटीरियर खोलने के लिए सबसे पहले बल्कि साइड का तो खुलता नहीं था, उस साइड से मुझे आना पड़ना, सब्र करें। ये भी बाहर से नहीं खुलता। इस साइड पे आप चेक कर सकते हैं भाई साहब यहाँ से लॉक आया हुआ है लेकिन उन्होंने मोरी छुपाने के लिए यहाँ पे रबड़ ग्रॉमिट लगाया हुआ है क्योंकि आपको पता है खुली मोरियों में लोगों को उंगल करने का बड़ा दिल करता है। खोलो जी। अब जी गाड़ी के इंटीरियर पे आ जाएं तो जी सबसे पहले आपको यहाँ पे दवाई मिलती है क्योंकि गाड़ी ऐसी है कि इसको चला के आपके जी सर में दर्द हो जाएगा, तो जी उन्होंने दवाई अंदर इसलिए रखी हुई है। उसके अलावा आप चेक करें जी चौधरी गौर साहब की तरफ से हमें भाई साहब इन्विटेशन आया है, इनके हम शादी पर जाएंगे गाड़ी लेके, ऐसी गाड़ी लेके गए ना भाई उनको वैसी तलाक हो जानी है। अब गाड़ी के डोर कार्ड्स में है तो भाई साहब ये इसका जो है प्लास्टिक बोर्ड आ हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था बैक वाले डोर कार्ड के ऊपर, तो ये सारा लगने वाला है। ये जी हमें साथ फ्री सामान मिला है और जी फ्री सामान में आप ये चेक कर सकते हैं, ये भी 2 हिस्सों में कन्वर्ट होया हुआ है। डैशबोर्ड की हालत में है तो डैशबोर्ड ठीक हालत में थोड़ा। अब गियर आप चेक कर सकते हैं भाई साहब, चेक कर सकते हैं आप किसी लड़ाई हो आप जिसको चुक के गियर नॉब मार सकते हैं। उसके अलावा स्टेयरिंग पे आए तो जी ऐसा लग रहा है किसी बैटमैन की गाड़ी से स्टेयरिंग लगा के आए हैं और जी स्टेयरिंग के अंदर प्ले देखें आप, ये देखें बिग
ये आपने देख लिया। अब जी आखिर में एक चीज रह गई है और वो है जी इंजन। तो आइए आपको भाई साहब इंजन का भी गेड़ा करवाता हूँ। अब जी इंजन के ऊपर आए तो इंजन कौन सा है, तो ये है जी 5AFE इंजन है और ये जी 6 स्पीड गियर के साथ है जिसमें से अभी फिलहाल रिवर्स वाला लग नहीं रहा, इसलिए हम जद्दी मामू को साथ लेके आए हैं। ये रिवर्स लगा रहे हैं तब से गाड़ी के अंदर क्योंकि रिवर्स में डालो ना गाड़ी रिवर्स में जाती है। तो जी जद्दी साहब बार बार बाहर निकल के धक्का लगाते हैं गाड़ी को रिवर्स में लेके आने के लिए। अब जी इंजन की हालत आप चेक कर सकते हैं भाई साहब, इंजन हमारी आप जी कुलियाँ खा रहा है, तेल जी पार प्लग वायर से बाहर आ रहा है यहाँ पे। उसके अलावा आप एयर इनटेक चेक कर सकते हैं, गाड़ी में जान इतनी सक्शन वाली कि उसकी सारी की सारी जाली पाड़ के रह गई यहाँ पे आपको। जैसे मैंने बताया था गाड़ी में दो चीज़ें अच्छी हैं, तो जी पहला वो वाला टायर था और ये दूसरी है बैटरी है। ये जी इन्होंने नई बैटरी लगवाई है, सिर्फ ये दो चीज़ें अच्छी हैं पूरी गाड़ी के अंदर, बाकी पूरी गाड़ी जी ऊपर पहुँचने वाली है शहरी किंग के 2cc के साथ। अब कब पहुँचेगी मुझे खुद नहीं पता। उसके अलावा एक तीसरी चीज़ भी अच्छी है, वो है जी ये टोमाई का फ्रेश एल्यूमिनियम वाला रेडिएटर, हो सकता है ये मैं जी गिरू करके अपने हफ्सी ब्लैक में ले जाऊँ। और जी इन्होंने स्टार्ट बार तो ऐसे लगाया हुआ जैसे बाकी गाड़ी 400 या 500 का मीटर मारती हो। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं ये जो हमारा ब्रेक फ्लूड वाला है ये भाई साहब खाली है, क्योंकि इसमें भाई साहब जो ब्रेक फ्लूड है वो जी रहता ही नहीं, क्योंकि इसकी ब्रेक की लाइंस लीक हैं और जी भी मैं कोई बड़ी ही मुश्किल से इसको ब्रेकें ब्रुकें मारते यहाँ तक लेके आया हूँ। अब जी आपको मैं जरा एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, तो आइए उसके लिए हम जी आपको गाड़ी स्टार्ट करके चेक करवाते हैं। और जैसा आप लोगों को पता है जब गाड़ी भाई साहब तेज चलाते हैं तो जी साइड मिरर हम बंद कर लेते हैं। चलो जी साइड मिरर बंद करो हल्का सा, हाँ बस ठीक है इतना बहुत है। अब जी ये आपको एक गाड़ी के मजे की चीज़ चेक कराऊँ, तो ये जी अपनी मर्जी से स्टार्ट होती है कभी कभार, वो तोड़ी हुए इस बार फर्स्ट ऑफ स्टार्ट होगी मैंने ले जी गुस्सा कर के ये होगी होगी होगी। अब जी इसका मसला ये है, ये जो स्विच है इसके साथ जी निंजा टेक्निक लगानी पड़ती है, स्विच स्टार्ट करके अगर आधे पर रखें तो गाड़ी स्टार्ट रहती है, उससे ज़्यादा करें तो जी गाड़ी बंद हो जाती है। अब जरा आपको जरा गाड़ी चलाते हुए ये चेक करें जी, प्ले देखें आप, ये जी यहाँ पे एक नट लगा ही नहीं हुआ जी पता डीप ना बिस्मिल्लाह नहीं डीप ना जी, लगता गियर भी उड़ गया इसके दो को मिनट इसको थोड़े मारने के बाद जी हमारे गियर लगने शुरू हो गए। ये आप चेक करें, ये लगा जी पहला गियर, ओहो ये चेक करें जी, ओ हो मैं कहता जी खीर ओ तुहाडी ये देखी तो तेरी ये लग होने लगा जाए। ये जी पूरा क्लच का मैंने पैडल तोड़ देना लेकिन फिर भी छू छू कर रहे है, ओ मैं कहता जी खीर गाड़ी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। ये देखें जी ये ब्रेक की हालत है, ये मैंने ब्रेक मारी और गाड़ी रुकनी थी। ओए हाय 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 वैसे मैं क्लच दबाया पर गाड़ी खुद ही आगे जाए जा रही है, क्लच भी उड़ गया इसमें हम डालेंगे 4 पॉक 6 पॉक मामा गियर ते लगे पहले ये जी गाड़ी आपको मैं भगा के नहीं चेक करा सकता क्योंकि जैसे आपने देखा पैसा स्लिक्स इसको लगे हुए हैं, हाँ जी गाड़ी खिलर गई तो अभी फिलहाल हमारे पास कोई तोड़ा तोड़ा भी नहीं है कि बाद में इसको इकट्ठा कर सकें। वैसे गाड़ी ने जी बिल्कुल साफ सुथरी है, मैं अंदर बैठा हूँ भाई और ये जी मेरा कच्चा गंदा हो गया सारा। ये जी गाड़ी में आपने बैठना तो जी साथ में आपको सर्फ एक्सल वाली मशीन भी चाहिए, ये जी स्पेशल गाड़ी है कोई आम गाड़ी नहीं है। अब जी हम इसको फर्स्ट टाइम मेन रोड पे लेके जा रहे हैं, उसमें जी पेट्रोल डलवाने के लिए हम इसको लेके जाएंगे क्योंकि भाई साहब मैं कल जलील नहीं होना चाह रहा हूँ। ये देखें जी वैसा बताओ कैसी लगी आपको गाड़ी, वेरी नाइस। ये देखें जी बंदा झूठा हो इतना ना हो ये जी आप हालत चेक कर सकते हैं मेरी और जुनेद साहब की, ये हम सिर्फ एक बार पेट्रोल डलवा के लाए हैं साहब जी, हम फ्रेश नान लेके आए हैं और जी अभी सोचे ही हम सिर्फ पेट्रोल डलवा के आए, हमारी क्या हालत हुई है भाई साहब, ये प्रोजेक्ट तैयार करते हैं हमारे क्या हालात होंगे भाई साहब, यहाँ पे काम बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन भाई साहब डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन कल गाड़ी हम लेके जाएंगे लाला जी, मैं फ्रेंड के पास जाके जिसका ज्यादा ज्यादा करवाते हैं लाला जी से, फिर देखते हैं भाई साहब लाला जी हमें कितनी गाड़ियां निकालते हैं चपेड़े मारते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।